नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों लीजिए हाजिर है एक और वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बिल्कुल आसान और जबरदस्त ट्रिक्स के थ्रू फ्रेजल वर्ब्स को कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और ऐसे ही आप जबरदस्त ट्रिक्स के थ्रू अपनी वोकैब को इंप्रूव करते रहें। आपने मेरी पिछले वीडियोस को बहुत प्यार दिया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो दोस्तों आज हम जिस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस वर्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है लुक। दोस्तों वैसे तो लुक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपनी नज़र को ले जाना ताकि आप देख सकें कि वहाँ क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, लुक जो है एक नाउन भी होता है, जिसका मतलब जैसे अपने कहते हैं कि फर्स्ट लुक के अंदर ही मुझे वो चीज़ पसंद आ गई, तो लुक जो है इस सेंटेंस में एक नाउन का भी काम कर रहा है। दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्ड है लुक अप टू। दोस्तों इस वर्ड का मतलब है कि किसी को एडमायर करना, किसी को फॉलो करना या किसी की तरह बनने की कोशिश करना। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमारी पुरानी वीडियो में हमने आपको बताया था कि अप का मतलब हम मानेंगे कप, जिसमें हम चाय वगैरह पीते, और टू का मतलब मानते हैं हम शू। तो इमेजिन करो कि आप, और जो मेन चीज बताना भूल गया मैं दोस्तों, यहाँ अपने पूरी स्टोरी में लुक का मतलब एक कुक मानेंगे। कुक यानी खाना पकाने वाला जो शेफ होता है, जिसको हम कुक कहते हैं। तो हम पूरी स्टोरी में लुक का मतलब कुक से मानेंगे। दोस्तों यहाँ हम स्टोरी बना रहे हैं कि आप एक कुक बनना चाहते हो, आप एक ऐसा कुक बनना चाहते हो जो चाय के कप को शू में रख कर फिर चाय देता है लोगों को। और ये तरीका बहुत फेमस हो गया है और वो कुक भी बहुत फेमस हो गया है। तो आप भी एक ऐसे कुक की तरह बनना चाहते हो जो चाय को, चाय वाले कप को शू में रख के, जूते में रख के सर्व करता है। एक एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों इसका। अ लॉट ऑफ द यंगर गर्ल्स लुक अप टू सानिया मिर्जा, यानी बहुत सारी यंगर गर्ल्स सानिया मिर्जा की तरह बनना चाहती हैं, तो उसको फॉलो करती हैं, उसको एडमायर करती हैं। ओके, लुक फॉर, ये हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। दोस्तों इसका मतलब होता है किसी की तलाश में होना, किसी को सर्च करना। दोस्तों फॉर का मतलब जब भी हमारी स्टोरी में आता है हम उसको मानते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी। सो यहाँ हमारी स्टोरी ये है कि आपके घर का कोई कुक, जो आपके घर का जो कुक है वो आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके भाग गया है और अब आप उसको ढूंढ रहे हो, और आप हो सकता है उसकी साइकिल पर आप उसको ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो जो है वो आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर भाग गया है और अब आप उसको ढूंढ रहे हो। तो लुक यानी कुक, फॉर यानी फॉर्च्यूनर। तो कुक का और फॉर्च्यूनर का क्या आपस में रिश्ता है? तो वो आपकी गाड़ी लेकर भाग गया है और अब आप ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई कुक। नेक्स्ट इज लुक थ्रू अ न्यूज़पेपर। दोस्तों जब भी ये फ्रेजल वर्ब आपको दिखाई देगी तो ये हो सकता है कि लुक थ्रू अ मैगजीन भी लिखा हो या लुक थ्रू अ बुक भी लिखा हो। सो लुक थ्रू अ न्यूज़पेपर का मतलब होता है किसी न्यूज़पेपर को बड़ा जल्दी जल्दी रीड करना या पढ़ना, मेन पॉइंट्स के लिए जब आप कुछ उसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं या कुछ चेक कर रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी देखना। दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी में थ्रू शब्द आता है हम उसका मतलब बनाते हैं आत थ्रू। और अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा है तो आपको मालूम होगा कि कपिल उसके अंदर राजेश अरोड़ा की एक्टिंग जब करता है, जब राजेश अरोड़ा बन के आता है, तब वो एक, ये टिपिकल उसका एक एक्शन है कि आत थ्रू। सो इस स्टोरी के अंदर हमने ये माना है कि राजेश अरोड़ा को किसी ने ये बताया है कि उसका जो कुक है उसकी अखबार में कोई न्यूज़ आई है और शायद बैड न्यूज़ आई है। अब क्योंकि उसके घर में काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं तो वो बड़ी जल्दी अपने सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को देख रहा है। सो लुक और थ्रू, तो लुक यानी हमारा कुक, लुक यानी कुक, और थ्रू यानी राजेश अरोड़ा,
तो राजेश अरोड़ा और कुक का क्या रिलेशन है कि राजेश अरोड़ा कुक की न्यूज को फटाफट न्यूज़पेपर में देख रहा है। जैसे एग्जांपल है, व्हाट आर यू लुकिंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, लुक अप और लुक समथिंग अप। दोस्तों इसका मतलब भी ढूंढना ही है, सर्च करना, ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग इन अ बुक और ऑन अ कंप्यूटर। स्पेशली जब आप किसी चीज को किसी बुक में या कंप्यूटर में ढूंढते हैं तब उसको लुकअप कहते हैं। दोस्तों ये जो फ्रेजल वर्ब है ये सेपरेबल भी है, यानी ये लुकअप की तरह भी आ सकती है और लुक समथिंग अप यानी लुक के बाद कोई चीज आएगी और फिर अप आ रहा है। दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी में अप आएगा, मैंने आपको वैसे बताया था कि उसको हम कप मानते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर हम लुकअप को लॉकअप मान रहे हैं। तो इसकी स्टोरी ये है दोस्तों कि जो कुक है वो आपका जो कुक है मान लो वो लॉकअप से फरार हो गया, वो लॉकअप से फरार हो गया और अब उसने वहाँ पे एक चिट छोड़ दी है। उस चिट के ऊपर लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेशन के अंदर वो कंप्यूटर जिसके ऊपर बहुत सारे कप पड़े हैं उसके अंदर मेरा एड्रेस है। तो अब पुलिस वाले जो हैं वो फटाफट उस कंप्यूटर को देख रहे हैं कि उसमें से कुछ मिल जाए उनको। सो कुक है हमारे पास और हमारे पास एक कप है और एक टोटल वर्ड है हमारे पास लॉकअप। तो लॉकअप का कुक से और कप से क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन है कि अब लॉकअप से वो भाग गया और पुलिस वाले उस कंप्यूटर को पूरी तरह छान रहे हैं जिसमें जिसके ऊपर कप रखे हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। अगर आपको नहीं मालूम किसी वर्ड का मतलब तो आप उसको डिक्शनरी में ढूंढिए या देखिए। आई हैव टू लुक अप द वर्ड पोजेशन टू चेक हाउ टू स्पेल इट। मुझे ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा या देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसको कैसे स्पेल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा लुक एट। लुक एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपना फोकस करना ताकि आप देख सके वहां क्या हो रहा है, या किसी चीज को चेक करना, एग्जामिन करना। दोस्तों हमारी स्टोरी के अंदर जब भी बैट एट शब्द आएगा तो हम उसको या तो बैट यानी चमगादड़ मानेंगे या हम उसको मानेंगे बैटमैन। सो दोस्तों यहां हमारी स्टोरी ये है कि जो हॉलीवुड का सुपरस्टार है बैटमैन, जब भी उसको कोई दिक्कत आती है और ऐसी दिक्कत जो डॉक्टर्स की समझ नहीं आती, तब आपके कुक को वहां बुलाया जाता है और वो कुक सिर्फ 5 सेकंड के लिए बैटमैन को देखता है और बैटमैन को देखते ही 5 सेकंड के बाद वो बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है, यानी वो उसको एग्जामिन कर लेता है। सो दोबारा से ध्यान दीजिए दोस्तों, लुक यानी कुक और एट यानी बैटमैन। तो बैटमैन का और लुक का क्या कनेक्शन है कि जब कुक बैटमैन की तरफ देखता है यानी उसकी तरफ देखना, तो वो बता देता है कि क्या दिक्कत है यानी उसको एग्जामिन कर लेता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हे लुक एट द वॉच वी आर गेटिंग लेट। घड़ी की तरफ देखो हम लेट हो रहे हैं। माई कार हैज नॉट बीन रनिंग वेरी वेल सो आई हैव कॉल्ड अ मैकेनिक टू हैव अ लुक एट इट। यानी मैंने मेरी कार सही नहीं चल रही है तो मैंने मैकेनिक को बुलाया कि वो इसको देखे यानी पता लगाए कि क्या दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक आउट। दोस्तों लुक आउट का मतलब होता है ध्यान देना, स्पेशली जब आपको कोई कहीं किसी से बचने के लिए कहे और सावधान होने के लिए यानी बचो। तो लुक आउट का मतलब ध्यान देना, टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग एंड बी केयरफुल। दोस्तों जब भी आउट हमारी स्टोरी में आएगा, हमने माना है कि आउट का मतलब स्काउट वाला, स्काउट की ड्रेस पहने कोई इंसान। तो हमारी स्टोरी ये है कि जो हमारा कुक है जब भी वो स्काउट की ड्रेस पहन लेता है तो वो पागल हो जाता है, वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी अजीब कर सकता है। तो और जब भी वो स्काउट की ड्रेस पहनता है तो सब लोग भागते हैं और जिसको पता नहीं लग रहा कि वो आ चुका है तो लोग कहते हैं कि बचो वो आ गया है। सो लुक आउट यानी लुक यानी कुक स्काउट की ड्रेस में आ गया है तो बचो। इसका सिनोनिम दोस्तों वॉच आउट भी हो सकता है, सेम मीनिंग कि बचो, संभालो, सावधान हो जाओ। एग्जांपल देखिए, लुक आउट
देयर इज अ कार कमिंग। बचो या देखो, सावधान, एक कार आ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज लुक आउट फॉर समबडी या समथिंग। दोस्तों बस इस फ्रेजल वर्ब के अंदर एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो है फॉर, लुक आउट फॉर। तो सेम चीज है, इस स्टोरी का मतलब भी, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब भी वही है कि बचो किसी चीज से या बचो किसी इंसान से। सो यहां क्योंकि हमारे पास एक फॉर वर्ड एक्स्ट्रा है, फॉर का मतलब है फॉर्चूनर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इमेजिन करो, अब जो आपका कुक है उसने स्काउट की ड्रेस भी पहन रखी है और वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा हुआ है और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ रहा है। तो अगर अब वो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ रहा है तो डेफिनेटली, क्योंकि वो इस टाइम पागल होता है, तो वो किसी के भी ऊपर चढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बचो, सो लुक आउट फॉर यानी बचो। इसका सिनोनिम भी दोस्तों यही है कि वॉच आउट फॉर, सेम जैसा कि अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब में देखा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से बचो, जेब कतरों से सावधान हो जाओ। लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर वर्क, यानी अपनी जब आप काम करते हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचो, उन पे मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक ओवर। दोस्तों लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, चेक करना, मॉनिटर करना, या किसी पर्सन या प्लेस को विजिट करना एग्जामिन करने के लिए, मतलब वही है, देखना, चेक करना, एग्जामिन करना। दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी में ओवर शब्द आता है तो इसका मतलब होता है सुनील ग्रोवर, और वो भी एज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। तो ओवर से ग्रोवर हमने बनाया है। सो दोस्तों इस फ्रेजल वर्ब की स्टोरी ये है कि जब भी सुनील ग्रोवर को कुछ हो जाता है, जैसा कि हमने बैट में पढ़ा था लुक एट के अंदर, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ है कि सुनील ग्रोवर को जब भी कुछ हो जाता है तब भी, उस टाइम भी जो आप, जो हमारा कुक है वो उसको 5 सेकंड के लिए देखता है और एग्जामिन कर लेता है और बता देता है कि क्या दिक्कत है, यानी उसको पूरा मॉनिटर कर लेता है। सो देखा जाए तो लुक एट एंड लुक ओवर का मतलब लगभग सेम है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि लुक ओवर के अंदर आप किसी को विजिट कर सकते हो, किसी प्लेस को और इंसान को चेक करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, वुड यू क्विकली लुक ओवर दीज फिगर्स फॉर मी एंड सी इफ देर आर एनी ऑब्वियस मिस्टेक्स। क्या आप जो फिगर्स यानी कुछ डेटा वगैरह, क्या आप इनको देख सकते हो, फटाफट चेक कर सकते हो कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। एन इंस्पेक्शन टीम लुक्ड ओवर योर फैक्ट्री यस्टरडे। एक इंस्पेक्शन की टीम कोई आई थी और उन्होंने तुम्हारी फैक्ट्री को एग्जामिन किया या मॉनिटर किया या चेक किया। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। लुक इनटू, लुक इनटू एक बड़ी कॉमन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। सो दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी में इनटू शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है ईंट, ब्रिक। और यहाँ हमने स्टोरी ये बनाई है कि आपका जो कुक है उसने ईंट मार के किसी का मर्डर कर दिया है, और अब जो है उस केस की, जिस केस में कुक ने ईंट मारी, ईंट मारकर किसी का मर्डर कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो ये मान लीजिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चुलबुल पांडे कर रहा है। सो एक एग्जाम्पल भी बना लेते हैं, मिस्टर चुलबुल पांडे इज लुकिंग इनटू द केस ऑफ चुन्नीलाल योर कुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है दोस्तों बड़ी ही बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करना। सो दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी के अंदर फॉरवर्ड शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है चार बच्चे, क्योंकि वार्ड का मतलब संतान से भी होता है। सो फोर वार्ड यानी चार वार्ड्स, तो फोर चिल्ड्रन। हमने इसकी स्टोरी ये बनाई है दोस्तों कि जो आपका कुक है उसके चार बच्चे हैं और उसके चार बच्चे कभी कभी छुट्टियों में ही आपके पास आते हैं। तो जब भी वो छुट्टियों में आपके पास आते हैं तो आपके घर में चार नौकर एक्स्ट्रा हो जाते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा और बहुत ही अलग अलग काम करवा लेते हो। सो दोस्तों यानी आपको इंतज़ार रहता है कि कब वो चार बच्चे आएंगे। सो लुक फॉरवर्ड टू यानी उस कुक के
चार बच्चे कब आएंगे, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं और वो कब आएंगे इस चीज का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेट्स सी द एग्जांपल दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय हॉलीडे, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मेरे हॉलीडे का। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग या सीइंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन अगेन, कोई दादी है जो अपने बच्चों को मिलने के लिए बेकरार है। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब है दोस्तों किसी का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, स्पेशली उनका जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते। दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी में आफ्टर वर्ड आता है, हम आफ्टर का मतलब मानते हैं लाफ्टर, और लाफ्टर से ही कि इंसान सबसे पहले याद आता है और वो है कपिल शर्मा। तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक कुक है और एक कपिल शर्मा है। तो स्टोरी ये है कि जब भी हमारे कुक को कुछ होता है तो उसकी देखभाल करने के लिए कपिल शर्मा रेडी रहता है, और वो सुबह शाम उसे फ़ोन करता है, उसके लिए फ्रूट लाता है, मतलब जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तो कपिल शर्मा ही उसकी टेक केयर करता है। तो कपिल शर्मा का और हमारे कुक का क्या रिलेशन है कि कपिल शर्मा हमेशा उसकी टेक केयर करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। एग्जाम्पल, आई लव लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों की देख रेख करना, उनकी संभाल करना बहुत अच्छा लगता है। सो दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लुक ऑन। दोस्तों लुक ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, समझना या मानना। दोस्तों जब भी हमारी स्टोरी के अंदर ऑन शब्द आता है तो उसका मतलब हम मानते हैं आइसक्रीम कौन से। तो अब हमारे पास यहाँ दो लोग हैं, कुक एंड ऑन, ऑन यानी आइसक्रीम। सो दोस्तों जो आपका जो कुक है वो आइसक्रीम को जन्नत या अमृत मानता है, आइसक्रीम को अमृत मानता है। सो उसको आइसक्रीम जब भी जहाँ भी जैसे भी मिल जाती है वो खा लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो आइसक्रीम है ये कलयुग का अमृत है, तो वो इसे अमृत मानता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, शी लुक्ड ऑन दिस अफेयर एज अ जोक, वो इस अफेयर को एक मजाक समझ रही है, मजाक मान रही है। नेक्स्ट वर्ड इज लुक अपॉन, सेम मीनिंग है दोस्तों इसका भी, और जब भी हमारी स्टोरी के अंदर अपॉन शब्द आता है हम उसका मतलब मानते हैं अ फोन, एक फोन। तो यहाँ कुक और फोन की स्टोरी है, कुक जो है वो फोन को एक मैजिकल चीज मान रहा है, यानी कुक ने इमेजिन करो फोन को अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, तो जब उसमें गाने चलते या वीडियोस देख रहा है इंसानों के, तो वो उसको एक मैजिकल चीज मान रहा है। He looks upon himself as a brilliant musician, वो अपने आप को एक brilliant musician समझता है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारा वह लुक डाउन अपॉन, बड़ी कॉमन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कि किसी को नीची दृष्टि से देखना या किसी को तुच्छ समझना, किसी का तिरस्कार करना, टू ट्रीट समबडी विद कंटेम्प्ट यानी डिसरेस्पेक्ट। दोस्तों डाउन एक ऐसा वर्ड है, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हमारी स्टोरी में आता है तो उसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को हराना, किसी को बीट करना, मारना, कुचल देना। तो ये डाउन जब भी हमारी स्टोरी में आता है इसके लगभग मीनिंग ऐसे ही रहते हैं। सो अभी इस स्टोरी के अंदर भी हम इसको ऐसा ही मान रहे हैं कि इमेजिन करो जो कुक है वो आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, यानी आपको नीचा दिखा रहा है, यानी उसने आपसे सबके सामने कुछ रूडली बोल दिया है। वो जो कुक है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गुस्सा आ गया और अब आपने उसको कहा है कि तू कुक है और अपनी औकात में रह, और आज के बाद लुक डाउन यानी नीचा अपनी नजरें झुका के बात करना और अपनी आवाज भी थोड़ी नीचे करके ही बात करना। सो यहाँ कुक का और डाउन करने का, नीचा दिखाने का जो है वो लिंक है दोस्तों। सो आई होप कि आपको जो है ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो इनके लिंक भी याद हो जाएंगे और आपको इनके मीनिंग भी याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। मैं फटाफट दोस्तों एक बार अपने इसको जो है रिकैप करते हैं बड़ी जल्दी, देखते हैं कि कैसे ये आपको दोबारा याद आता है या नहीं आता।
तो एक फटाफट एक रिकैप करते हैं दोस्तों इसका। लुक डाउन का आपको मालूम है, लुक अपॉन का दोस्तों लुक अपॉन की जो स्टोरी थी वो यही थी कि कुक फोन को एक मैजिकल चीज समझता है। लुक ऑन में जो कुक है वो आइसक्रीम कॉन को एक अमृत समझता है। लुक आफ्टर में आफ्टर यानी कपिल शर्मा और कुक, कपिल शर्मा जो है वो आपके कुक की हमेशा देखभाल करता है। लुक फॉरवर्ड टू के अंदर जो कुक है उसके चार बच्चे हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। लुक इनटू में कुक ने ईंट मारकर जो मर्डर किया है अब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कोई कर रहा है। लुक ओवर के अंदर लुक यानी कुक और ओवर यानी सुनील ग्रोवर, तो सुनील ग्रोवर को जो है आपका कुक देखता है और देखने के बाद एग्जामिन कर लेता है। लुक आउट फॉर यानी कुक स्काउट गाइड की ड्रेस में फॉर्च्यूनर में बैठा है तो अब जो है उससे बचना पड़ेगा आपको क्योंकि वो पागल हो जाता है तो उससे बचना है। लुक आउट का भी सेम है दोस्तों, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लुक एट, एट यानी बैट, बैट यानी बैटमैन, तो जो कुक है वो बैटमैन की तरफ जब देखता है तो 5 सेकंड के अंदर ही एग्जामिन कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। लुक अप, तो लुक अप को हमने लॉकअप बनाया था और अप यानी कप, और हमने इसका बनाया था कि लॉकअप से जो कुक है वो भाग गया है और उसने कहा है कि अगर मुझे पकड़ना है तो उस कंप्यूटर को ढूंढो, उस कंप्यूटर में मुझे मेरी इंफॉर्मेशन ढूंढो जिसके ऊपर कप पड़े हैं। तो सब लोग अब कंप्यूटर में छान रहे हैं, कंप्यूटर की फाइल्स को ढूंढ रहे हैं। लुक थ्रू अ न्यूज़पेपर, तो थ्रू यानी आथू, आथू यानी कपिल यानी राजेश अरोड़ा, तो इसका भी यही सिस्टम है कि कपिल अरोड़ा को किसी ने बताया है कि उसके कुक को जो है उसकी कुक की खबर आई है बैड न्यूज, तो वो सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर उस खबर को फटाफट ढूंढ रहा है। लुक फॉर, फॉर यानी हमने कहा था फॉर्च्यूनर, जो कुक है वो फॉर्च्यूनर लेके भाग गया है तो आप उसको ढूंढ रहे हैं। लुक अप टू, अप यानी कप, टू यानी शू, आप एक ऐसे इंसान की तरह बनना चाहते हैं, एक ऐसे कुक की तरह बनना चाहते हैं जो चाय के कप को शू में रख के सर्व करता है। सो आई होप दोस्तों ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो चुकी होंगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये यूट्यूब वाली मेरी जो चैनल है उसको रेफ़र कीजिए, और बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।